ऑट टू कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मॉडल वर्ब की अहम सीरीज का ये हिस्सा है। हमारे पास कुछ मॉडल वर्ब है लाइक कैन, कुड, शुड, हैज टू, हैव टू, नीड टू, अबाउट टू, और इसी तरीके से ऑट टू का इस्तेमाल, ऑट टू इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उर्दू आइडेंटिटी अगर देखी जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे पास शुड होता है जिसका मतलब है चाहिए, कोई काम जो आपको करना चाहिए एडवाइस के तौर पर। उर्दू क्योंकि एक बड़ी यूनिक किस्म की लैंग्वेज है, वो दो तीन जगह सेम होती है, तो यहां पर भी इसकी आइडेंटिटी तो वही होगी कि चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, तो फिर ये भी नसीहत है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, ये नसीहत नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखें। ऑट टू आपने तब इस्तेमाल करना है जब कोई काम करना, मॉरल ड्यूटी के लिए कोई काम जो करना तो चाहिए लेकिन बजाहिर वो शख्स ऐसा कर नहीं रहा, तो वहां पर ऑट टू का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं मेरे सामने एक बच्चा है और वो हमेशा झूठ बोलता है और मुझे इस चीज की तवक्को भी नहीं होती, बट वो हमेशा झूठ बोलता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आइंदा भी झूठ ही बोलेगा, उसने हमेशा झूठ ही बोलना है, तो मैं वहां पर उसको कहूंगा यू ऑट टू स्पीक ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, आप शुड नहीं कहूंगा, मैं एडवाइस नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हें सच बोलना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है, बेसिकली ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो आप जानते हैं, जो आप कर रहे हैं लेकिन फुलफिल नहीं होनी, तो वहां पर ऑट टू का इस्तेमाल किया जाएगा। जो मैंने सिचुएशन आपको घड़ कर दी है जरा उसको मद्देनजर रखें। इसी तरीके से अब कुछ लोग हैं वो अपने पेरेंट्स की अगर इज्जत नहीं करते हैं, टीचर्स की इज्जत नहीं करते, और हम उनको समझाते रहते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन उसके बावजूद वो टीचर की इज्जत नहीं करते, तो हम उनको कहेंगे यू ऑट टू या वी ऑट टू, हम ऐसे कह लेते हैं, बल्कि वी का कहना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, हम यू कर लेते हैं, यू ऑट टू जब दूसरे को कहा जाए, क्योंकि ये आमतौर पर किसी दूसरे को एक सजेशन या एडवाइस के तौर पर दी जाती है जो कि एडवाइस फुलफिल नहीं होनी, तो यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हम कर देंगे कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसा करेगा नहीं, तो आमतौर पर ऑट टू का इस्तेमाल तब होगा कि जब हम एक ऐसी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं जो कि फुलफिल नहीं की जाएगी। सो ये ऑट टू का शुड से डिफरेंस है, शुड तो होता ही एडवाइस है ना, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ये एडवाइस है, लेकिन यहां पर ये एडवाइस नहीं हो रही, ये एक ऐसी बेचारगी का इजहार किया जा रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए लेकिन तुम नहीं करते हो, तो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया, उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।